पैरालंपिक 2024 में भारत के खाते में दूसरा गोल्ड मेडल आ गया है। बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने भारत के लिए ये गोल्ड जीता है। पुरुष सिंगल्स में SL3 कैटेगरी में 29 साल के नीतीश ने ब्रिटेन के डेनियल बैथल को 21-14, 18-21, 23-21 से हराया। 29 साल के भारतीय खिलाड़ी का ये पहला ओलंपिक मेडल है। इस पैरालंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल शूटिंग में अवनी लेखरा ने जीता था। और नीतीश ने अभी हाल ही में पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। आप बच्चों की खुशी देख सकते हैं, एक बार सारे शोर मचाएंगे भाई। नीतीश हमारे पैरा बैडमिंटन प्लेयर, इसने 2016 में स्टार्ट करा था पैरा बैडमिंटन खेलना, उसके बाद से ये खेलता चला गया। अभी फिलहाल ये गोपीचंद एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है, राजेंद्र सर के पास गोपीचंद की एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है। ये पेरिस में हो रहे हैं और जीता है वहाँ पर गोल्ड मेडल। राजस्थान में जन्मे नीतीश कुमार ने पहले गेम को आसानी से अपने नाम कर लिया, दूसरे गेम में भी वो आगे चल रहे थे। हालांकि फिर वापसी करते हुए बैथल ने जीत हासिल की। इस तरह मुकाबला तीसरे गेम में पहुंचा, बैथल को मैच पॉइंट भी मिला। हालांकि नीतीश ने उन्हें सफल नहीं होने दिया और गेम को 23-21 से जीतकर भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। काफ़ी टाइम तो यहीं पे करनाल में ही प्रैक्टिस किया है। अभी फिलहाल हैदराबाद में गए थे 2-3 महीने पहले, उससे पहले हमारे को भी कोचिंग देते थे, खुद भी हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते थे। सर ने भी उनको ट्रेनिंग दिया, काफ़ी टाइम तो यहीं से स्टार्ट तो उन्होंने यहीं से किया था। हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, अब बीच में मैच देख के हम पूरे मतलब माहौल एकदम वो हो गया था, सीरियस हो गया था। बस बहुत बढ़िया, सर ने बहुत अच्छा खेला, दिल खुश हो गया देख के। नीतीश सर ने मतलब पेरिस में गोल्ड मेडल जीता है हमारे लिए, हम भी उनसे इंस्पिरेशन लेके बनना चाहते हैं उनकी तरह, हम भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे। नीतीश कुमार को इसी साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा था। वहीं सेमीफाइनल में नीतीश बैथल से ही हार गए थे, लेकिन अब पैरालंपिक के फाइनल में बैथल को हरा कर नीतीश ने अपना बदला पूरा किया। 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप में नीतीश ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। पिछले साल एशिया पैरा गेम्स में पुरुष डबल्स में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था, जबकि सिंगल में सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा था। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।